हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है उसका लेक्चर 8 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम टॉपिक कवर करेंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, फिर आंकिक प्रश्न और अपवर्तन का कारण जानेंगे। पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित प्रकाश में विचलन न होने का कारण जानेंगे और दर्पण के लिए युग्मित तथा अपने संबंध व सूत्र एवं प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ जानेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो देखिए, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध, हम लोगों को अपवर्तनांक की परिभाषा पता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश जो आपतन और अपवर्तन कोण होते हैं उनके ज्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी एक माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण के ज्या का जो अनुपात होता है वही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर हमें अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध का फार्मूला देखना है और उस संबंध को बताना है। तो ध्यान से सुनिए, किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहां पर देखेंगे, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक, बराबर होता है पहले माध्यम में, ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, अपार माध्यम दो में प्रकाश की चाल, मतलब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको शॉर्टकट में दिखाना चाहें तो 1 and 2 इक्वल टू, या इसी चीज को आप यहाँ दिखा सकते हैं 1 and 2, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। इस चीज को अगर हम व्यवहारिक रूप से जानना चाहें तो यहां देखिए, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो देखिए, पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है, तो यहां पर हमारा फार्मूला बनेगा वायु में प्रकाश की चाल, अपार जल में प्रकाश की चाल, तो देखिए, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। उस कंडीशन को अगर हम व्यवहारिक रूप से उतारे तो y जो कि माध्यम एक है के सापेक्ष जल जो कि माध्यम दो है का अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जो y में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं आपको बताया जा चुका है। y को हम a से डिनोट कर लें और n से अपवर्तनांक होता है, और जल को हम w से डिनोट कर लें, a एन w इक्वल टू होता है। y में प्रकाश की चाल को हम लोग c से डिनोट करते हैं और जल में प्रकाश की चाल को हम क्या करें, बी से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, ये जल में प्रकाश की चाल है,
जल में प्रकाश की चाल, और इसे हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल। देखिए तो ये है फार्मूला किसी भी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो ये जो है पूरी तरह से न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आप जानें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। उस न्यूमेरिकल को हम नोट कर देते हैं बोर्ड पर, उस न्यूमेरिकल को हम बोर्ड पर नोट करके देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन वन, अगर हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मान लीजिए कि 4/3 है, यदि वायु में प्रकाश की चाल आप जानते भी हैं 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड हो, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें ऐसे। अब देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है और हमको एक माध्यम में प्रकाश का चाल दिया है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल बताना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किससे डिनोट होता है, a/W से, कितना दिया है 4/3। वायु में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, c से, कितना दिया है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो हम देखें यहां पर a/W बराबर यहां लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल। तो देखिए ये हमारा है 4/3, ये सी की वैल्यू देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 3×10^8 और यहाँ पर हम लिख देंगे भी। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा और ये सारे क्वांटिटीज वहाँ जाएंगे, तो 3×3/4×10^8 हो जाएगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो भी इक्वल टू होगा 9/4×10^8। आप इसे डिवाइड करेंगे 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये है जल में प्रकाश की चाल, अगर वायु में प्रकाश की चाल और वायु के साथ में जल का अपवर्तनांक ज्ञात। तो ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हो सकता है कि वायु और जल में प्रकाश की चाल दे दिया हो, वायु के सापेक्ष जल का या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ ले। तो जब भी दो माध्यमों में प्रकाश का चाल दे दिया गया हो तो किसी भी माध्यम के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं। तो ये था अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध से पर आधारित यांत्रिक प्रश्न। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है देखें,
अपवर्तन का कारण, अपवर्तन क्यों होता है? हम लोग ये इतना तो जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अभी होता क्यों है, क्यों प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, या ऐसे समझ लें कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ इतना सा कारण है कि जब जो प्रकाश होता है उसका अलग अलग माध्यमों में जो चाल होता है वो अलग अलग होता है। अभी आपने देखा कि जब वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है और जल में प्रकाश का चाल 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड है। तो प्रकाश का जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। इसी वजह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश के चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। इस बात का ध्यान देंगे कि अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का जो चाल है उसका भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। इसको लिख सकते हैं हम अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश, मुख्य कारण अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल का, प्रकाश के चाल का अलग अलग होना, अलग अलग होना। जैसे माध्यम चेंज करने पर प्रकाश का चाल बदल जाता है, इस वजह से प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो ये था अपवर्तन का मुख्य कारण। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको आप विस्तृत रूप से समझें। दिया है पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित प्रकाश में विचलन न होने का कारण। जैसे इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश, इस टॉपिक को एक बार और देख रहे हैं, पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित प्रकाश में विचलन न होने का कारण, मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत गिरता है, लंबवत आपतित होता है, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हमको पता है कि जब प्रकाश किसी भी एक सघन से विरल में या विरल से सघन में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उस समय झुका हुआ प्रकाश होता है। इस तरह से किसी भी तरह से अगर झुका हुआ प्रकाश आए एक माध्यम से तो दूसरे माध्यम में क्या होगा, वो या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन अगर कोई प्रकाश किसी सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो जाए तो उसमें विचलन नहीं होता है, उसमें विचलन नहीं होता है। इसका क्या कारण है, देखिए ऐसे है, अगर कोई प्रकाश इस तरह से आपतित हो जाए, कैसे आपतित हुआ है, लंबवत आपतन है, ये लंबवत आपतन, आपतन। अगर प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो वो विचलित हुए बिना अगले माध्यम में चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है ये जानना है। तो देखिए इसके लिए मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करेंगे और उस प्रश्न, इसके हम प्रश्न बनाएंगे, दे देगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। इसे हम प्रश्न बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम प्रश्न बना दे रहे हैं ऐसे, सिद्ध कीजिए कि जब प्रकाश पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो
वह विचलित नहीं होता है, वह विचलित नहीं होता है। अब विचलित नहीं होता है, इसको प्रूफ करने का क्या मतलब है कि जो अपवर्तन कोण है वो जीरो है, अपवर्तन कोण जीरो है। तो इसका हम प्रूफ देख लें, यहाँ पर देखिए एक हम फिगर बनाते हैं और ऐसे दर्शा देते हैं। तो ये है आपतित किरण, आपतित किरण है ये, और ये है अपवर्तित। हम लोग जानते भी हैं कि जब भी हम कोण का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं प्रकाश में, तो हमेशा लंबवत लंब के लंब से मापा जाता है। तो यहाँ पर इसके पर इस पृष्ठ पर लंब जो हो वो यही है, ये बिल्कुल क्या है लंब भी है। तो यहाँ पर हम देखें लंबवत आपतन के लिए, लंबवत आपतन के लिए I इक्वल टू जीरो होता है। और स्नेल का नियम ये है, जो स्नेल्स लॉ है वो हमें ये बताता है कि साइन I अपान साइन R इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम I की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो हमें साइन जीरो अपान साइन आर इक्वल टू मिलेगा C। हम लोग जानते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर हम देखें या करके लिख सकते हैं साइन आर इक्वल टू साइन जीरो अपान C। इसको यहां और इसको यहां भेज दिया गया। अब ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो रख देंगे और ये हो जाएगा C, तो हमारा लास्ट रिजल्ट मिलेगा जीरो। साइन आर का मान जीरो है। अगर हम कंपेयर करें तो साइन आर इक्वल टू लिख सकते हैं साइन जीरो और हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी। जब लंबवत आपतन था तो आई जीरो ले लिए, अब आर जीरो ले लिए, इसका मतलब कि अपवर्तन भी क्या है लंबवत है। इसका यह अर्थ है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। इसे सिर्फ दर्शाएंगे, ऐसा पूछा भी जा सकता है कि जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो उसमें विचलन क्यों नहीं होता है। तो ये शब्द ध्यान देंगे। अब आइए इसको देखते हैं, लास्ट जो टॉपिक है दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध देखेंगे हम। दर्पण के लिए यू वी एफ में जो संबंध होता है उसका निगमन नहीं करना है हम लोगों को, केवल फार्मूला देखना है और उसमें आए हुए संकेतों का अर्थ बताना है। तो देखिए दर्पण के लिए यू का मा वी तथा एफ में संबंध, केवल फार्मूला जानना है हम लोगों को। तो फार्मूला क्या होता है, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी। दोनों दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध का जो फार्मूला होता है वो वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी होता है। अब इसमें एफ क्या है, कहीं कहीं इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे दोनों का मतलब सेम है। अब कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से जो टाइप हमें ज्यादा हेल्प करता है हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि ये कम हेल्प करेगा और ये ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसमें क्या कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है इसको देखेंगे। ये जो यू है वो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। जो वी है वो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और जो एफ है वो है फोकस दूरी।
फोकस दूरी। तो दोनों तरह के दर्पण में यू भी और एफ में यही रिलेशन होता है। इसमें वस्तु को हम यू से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को वी से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो एफ यू और वी का जो साइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो जब तक आपको यू भी और एफ का चिन्ह ना पता हो तो फिर आप नहीं उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कन्फर्म करते हैं फोकस दूरी को, क्योंकि फोकस दूरी डिपेंड करता है दर्पण के प्रकार पर। तो दर्पण देखिए यहाँ पर, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। बताया भी गया होगा चिन्ह परिपाटी में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। रही बात यू और वी की, तो यू और वी जो है वो भी दर्पण पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इनका साइन होता है। लेकिन अवतल दर्पण अगर है तो तय है कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण है तो धनात्मक होगी। अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण से बाईं तरफ की सभी दूरियां हमेशा निगेटिव ली जाती हैं और दर्पण के दाएं तरफ की सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ देखिए, वस्तु तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो जो यू है, यू जिसको हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं, वस्तु की दूरी, ये सदैव ऋणात्मक होता है। यू जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है किसी भी दर्पण में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। वस्तु की दूरी को हम हमेशा ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। और आई बात भी की, जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु किधर है, सॉरी प्रतिबिंब किधर है। अगर प्रतिबिंब बाएं तरफ है तो ये हमेशा निगेटिव और दाएं तरफ है तो पॉजिटिव। तो यहां देखिए, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, यहां लिख देंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होती है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होती है। यहां लिख सकते हैं तथा करके, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो इस बात का ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि अगर हम चिन्ह यूज ना करें तो निश्चित तौर पे फॉर्म जो भी सवाल हम हल करेंगे वो गलत हो जाएगा। इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। चलिए, इस बात को हम एक एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। देखिए, हम एग्जांपल लिख देते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु
कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखिए स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, और प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक बना है कि आभासी बना है, वर्चुअल या इमेजिन रियल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वैसे हमें इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन प्रश्न में नहीं लिखा होता है, हमको अपने पास से लिखना होता है। और वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है, वस्तु की जो दूरी है उसे देखिए u=30 सेंटीमीटर। तो वस्तु क्या है, हमेशा नेगेटिव साइन में होता है, तो 30 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हमको किसका वैल्यू बताना है, प्रतिबिंब की दूरी बताना। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/u + 1/v = 1/f। हमको v का मान बताना है, तो v हम इधर छोड़ देते हैं और u को उधर ले जाते हैं, या करके लिख देंगे 1/v = 1/f - 1/u। ऐसा कर लेने से न्यूमेरिकल्स का जो कैलकुलेशन होता है काफी इजी हो जाता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए f की वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 30। तो यहां देखेंगे 1/v = देखिए 1/v = 1/f means 1/-20 and -1/-30, यहां भी माइनस, तो ये माइनस इस माइनस से प्लस कर देगा इस माइनस को, 1/-20। माइनस को हमेशा ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में और यहां पर हो जाएगा +1/30। अब हम इसको सॉल्व कर ले एलसीएम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसी हमारी सुविधा हो। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये बात आपको इस स्तर पे आके जान लेना चाहिए। अब 20 से जो 60 है वो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 30 से जो 60 है वो 2 टाइम्स में, तो -3 + 2/60। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, -1/60, इधर क्या है 1/v। बच्चे बहुत अधिक गलती करते हैं इस जगह पर, ये 1/v की वैल्यू 1/60 है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -60। तो देखिए v की वैल्यू -60 निगेटिव है, इट मीन्स कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है। लिख देंगे अतः दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे तो बिना साइन यूज किए नहीं लगाएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखेंगे।